नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी S20 FE 5G वाला वेरिएंट। दोस्तों, ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो चुका है अभी के मुताबिक, बट इस फ़ोन में दोस्तों काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं मिल रहा था। तो फाइनली दोस्तों इस फ़ोन में एक अपडेट आ चुका है, जिसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस अपडेट में क्या मिलता है और क्या ये आपको करना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत मत करना, जिससे दोस्तों आपको अच्छे से आइडिया मिल सके। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो अपडेट है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था, वो देखिए दोस्तों। जैसा कि आपको बताएगा, सैमसंग का S20 FE दोस्तों एक एस सीरीज़ का फ़ोन है, काफ़ी एक्सपेंसिव फ़ोन था अभी टाइम पर, और काफ़ी महंगा फ़ोन भी था दोस्तों ये। बट दोस्तों इस फ़ोन में हमें जो अपडेट मिलना चाहिए, वो अपडेट हमें देखने को नहीं मिला। ये देखिए, आप साफ देख सकते हो, मैंने अभी इसको किया नहीं है, इसको डाउनलोड नहीं किया है। और इसका साइज़ है दोस्तों 208 MB का। इसमें सिर्फ हमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी पेज लेवल, वो भी 1 नवंबर का, जबकि दोस्तों दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, फिर भी हमें सिर्फ नवंबर का सिक्योरिटी पेज लेवल देखने को मिलता है। तो ये एक इसमें डाउनग्रेड है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि एस सीरीज के दोस्तों जो डिवाइस हैं, उसमें हमें ऑलरेडी दिसंबर का अपडेट मिलने वाला है, और काफ़ी डिवाइस में दोस्तों मिल भी चुका है। तो दोस्तों इसमें हमें बाकी कुछ नहीं मिल रहा, तो मेन बात ये आती है कि आपको ये अपडेट करना चाहिए। तो दोस्तों कोई से भी अपडेट हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसे ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बाद कोई अपडेट आएगा, जैसे दोस्तों One UI 5 का या फिर Android 13 का, तो दोस्तों वो तभी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो पाएगा जब आप इस वाले अपडेट को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे। इससे अगर आपने इसको पेंडिंग में छोड़ दिया, तो पहले दोस्तों आपको जी अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में दोस्तों उसके बाद जो अपडेट पड़ा होगा वो करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप कोई भी अपडेट पेंडिंग में ना छोड़ें और अपने फ़ोन में फटाफट से कर लें। अगर आपको नए नए फीचर नहीं चाहिए, और आपके फ़ोन में कोई बड़ा अपडेट आ गया है और आपको नए न्यू न्यू जो फीचर दोस्तों वो नहीं चाहिए, तब आपको अपडेट को पेंडिंग में डालना है। नहीं दोस्तों, अगर आप अपडेट का वेट कर रहे हो, फिर दोस्तों आपको कोई सा भी अपडेट हो उसको अपडेट अपने फ़ोन में अपडेट करना ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको ये अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। और दोस्तों अगर आपके पास S20 FE है, तो फटाफट से इस अपडेट को कर लो, और अगर आपके फ़ोन में कोई और अपडेट आ चुका है, तो उसके बारे में मुझे नीचे कमेंट करके दोस्तों बता सकते हो। तो उसे वीडियो पसंद आई तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।